यानी अगर स्टूडेंट्स की डेटाबेस बनानी है, स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड रखना है, तो स्टूडेंट के लिए रेस बनानी पड़ेगी। रोल नंबर क्या है और उसका नाम क्या है, उससे बेहतर क्या है कि हम एक स्ट्रक्चर बना दें। स्ट्रक्चर स्टूडेंट, और फिर एंड रोल नंबर, चार नेम ऑफ 50। अब ये स्ट्रक्चर का क्या फायदा हो गया, हम स्टूडेंट एस वन एस टू प्रिंट एफ एंटर द रोल नंबर एंड नेम ऑफ स्टूडेंट, एंटर द रोल नंबर, स्कैन ऐप परसेंटेज डी एस वन डॉट रोल नंबर, प्रिंट ऐप एंटर द स्टूडेंट नेम, गेट्स एस वन डॉट नेम, फिर एंटर द रोल नंबर, स्कैन एफ परसेंटेज डी एस टू डॉट रोल नंबर, प्रिंट ऐप एंटर द स्टूडेंट नेम, गेट्स एस टू डॉट नेम, फिर प्रिंट ऐप यू एंटर्ड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, प्रिंट ऐप रोल नंबर इज इक्वल टू परसेंटेज डी एंड नेम इज इक्वल टू परसेंटेज एस, और यहाँ एस वन डॉट रोल नंबर और एस वन डॉट नेम। फिर प्रिंट ऐप रोल नंबर इक्वल टू परसेंटेज डी एंड नेम इज इक्वल टू परसेंटेज एस स्लैश एन, एस टू डॉट रोल नंबर, एस टू डॉट नेम, गेट सी एच। स्टूडेंट डिक्लेरेशन सिंटैक्स ठीक नहीं है, एंड यू एंटर द रोल नंबर 33। हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास नेम सिर्फ एक करेक्टर का ही है, सपोज कर लेते हैं, और इसको स्कैन एफ से लेकर फिर डिस्प्ले करते हैं ताकि प्रोग्राम का स्ट्रक्चर आपको समझ आ जाए, फिर बाकी चीज़ें इंशाल्लाह ताला। परसेंटेज सी और ये नेम, और यहाँ पर
गेट्स की जगह स्कैन एफ और परसेंटेज सी और एस टू डॉट नेम। अब इसको चलाते हैं, एंटर द रोल नंबर 33 और हाँ जी वो एम्परसेंड नहीं लगाया। ये प्रोग्राम लिखा हुआ है, बन रही है सी एल आर एस सी आर। हाँ जी उसके लिए कुछ ऐड करना पड़ेगा। क्या ये कौन सी इंक्लूड करानी पड़ेगी? किसके नीचे लिखे? ठीक है, दो वैल्यूज रीड की हैं, वो एक ही वेरिएबल में स्टोर हो गई हैं और उस वेरिएबल का नाम क्या है? एस वन और एस टू। स्ट्रक्चर की मदद से ब्लॉक ऑफ वेरिएबल्स एक ही जगह पे डिफाइन किया जा सकता है। स्टूडेंट के रेलेवेंट ब्लॉक में क्या क्या चीज़ें चाहिए? रोल नंबर चाहिए और नेम चाहिए। तो रोल नंबर की टाइप इंटीजर है और नेम की टाइप करेक्टर है, तो उसको हमने यहाँ पर रीड कर लिया है, एंटर द रोल नंबर एंड नेम और उनको रीड किया है, फिर नीचे एंटर द रोल नंबर एंड नेम नीचे भी रीड किया है और फिर उसको प्रिंट करवा दिया है। तो अब ये स्ट्रक्चर्स की मदद से हमारा वेरिएबल ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड हो जाता है प्रोग्राम, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि ये प्रोग्राम हम रीडेबिलिटी इसकी अच्छी है, डेवलपर इसको अच्छे तरीके से समझ सकता है। तो स्ट्रक्चर्स बेसिकली एक खुद से ब्लॉक बन जाता है, स्ट्रक्चर में ही एक अरे बन जाती है। जब मैंने एस वन एस टू किया तो एस वन के पास भी दो ब्लॉक थे, पहले ब्लॉक्स में और वैल्यू है, दूसरे ब्लॉक में और वैल्यू है, यानी पहला डेटा टाइप उसकी इंटीजर है और दूसरे की डेटा टाइप करेक्टर है। यानी कि अगर हमारी अरे में ब्लॉक्स की डेटा टाइप भी चेंज करनी हो तो स्ट्रक्चर हमारे पास उसका अच्छा ऑल्टरनेट है।
तो इसको नोट कर लें आप लोग।